नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नमस्कार, अर्चना किचन में आपका स्वागत है। किसी का बर्थडे हो या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने के लिए हमें चाहिए केक, तो चलिए आज हम सिंपल और इजी केक बनाते हैं, वो भी घर पे। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। आज हम केक ओवन में नहीं कुकर में बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने गैस पे कुकर रखा है और उसमें एक कटोरी नमक डाला है। ये नमक मैंने पहले भी यूज़ किया था। हमें इसमें एक स्टैंड रखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे रिंग रखी है इस तरह की। आप किसी बाउल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। अब हम कुकर की रिंग और सीटी निकालेंगे और इसको बंद कर देंगे। इस तरह कुकर प्री हीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम बटर लिया है। मैंने ये बटर फ्रिज में से 4 घंटे पहले निकाला था बाहर। इस तरह हमें बटर चाहिए रूम टेम्परेचर वाला। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इस तरह का हमें बटर चाहिए। अब हम इसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम चीनी, पिसी हुई चीनी। चीनी मैंने मिक्सर में पीस ली है और उसे छान लिया है। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। मैंने ये 200 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया है। मैंने यहाँ पे अमूल का कंडेंस मिल्क लिया है। आप किसी भी ब्रांड का कंडेंस मिल्क ले सकते हैं, घर पे भी कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब मैंने दूसरा बाउल लिया है, उसमें मैंने एक छन्नी रखी है और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने इसमें 1 कप मैदा डाला है और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। केक बनाने के लिए मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है और अब हम इसे छान लेंगे। इसे अब अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम ये पहले वाला बाउल लेंगे और इसमें हमें दूध मिलाना है। यहाँ पे 2 कप दूध लिया है और उसमें 1 नींबू का रस डाला है और 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस डाला है। दूध फट गया है, आप फिक्र नहीं करें, वही दूध इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें थोड़ा थोड़ा दूध और थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर इसे मिलाना है और इस तरह का बैटर बनाना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर बन गया है।
बैटर ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, मीडियम बनाना है ताकि हमारा केक अच्छी तरह से बन जाए। मैंने यहाँ पे दाल चावल बनाते हैं वही डब्बा लिया है। इसमें मैंने एक चम्मच तेल डाला है और इसे अच्छी तरह से लगा लिया है पूरे साइड को। इस तरह आप बटर भी डालकर लगा सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैलाएंगे सब तरफ। इस तरह सब तरफ फैलाएंगे। अब ये बैटर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए मैंने ये बैटर इसमें डाल दिया है। अब हम इसको जरा सा टैप करेंगे ताकि अंदर के बबल्स निकल जाएं। अब हमारा कुकर प्रीहीट हो गया है। अब हम ये केक रख देंगे। अब ये कुकर हमें बंद करना है और 30 मिनट तक रखना है। सीटी और रिंग नहीं लगानी है। 30 मिनट हो गए हैं, मैंने कुकर निकाला है। इसमें अच्छी तरह से केक बन गया है, देख सकते हैं आप। मैंने इसमें चाकू डालकर देखा है, चाकू क्लीन निकला है। इसका मतलब है कि केक अच्छी तरह से बन गया है। अब हमें बाहर निकालेंगे। इसे हमें 15 मिनट तक ठंडा करना है। अब ये ठंडा हो गया है, मैंने ऊपर एक डिश रखी है और इसे उल्टा कर दिया है। ये देखिए अब ये हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे काट कर दिखाती हूँ केक कितना अच्छा बन गया है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। ये देखिए केक कितना अच्छा बन गया है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। किसी का भी बर्थडे हो या एनिवर्सरी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब ये केक टेस्ट करने के लिए तैयार है।